अरे प्रागी भैया आप तैयार हो क्या? बोलो। मैं ना ऊपर से चलांग लगाने वाला हूँ। अरे भाई लगा, अरे ये क्या चलांग हुआ? अरे प्रागी भैया ये तो नहीं हुआ यार। अरे बोला ना भाई, फिर से जा भाई, मुझे ना तेरे को कमांडो बनाना है, मतलब बोले तो इंडिया का आर्मी। अरे फिर से क्या प्रागी भैया, यहाँ आ गया। अरे यार तू कसम से यार कितना ज्यादा बेवकूफ है यार, ऐसे नहीं किया जाता यार, ऐसे नहीं किया जाता। अभी मैं दिखाता हूँ तेरे को दोस्त, अभी आप सब भी देख लो छत के ऊपर से कूद के कैसे हड्डी पसली एक करते हैं। ये कूदा भाई साहब पैर भी लग गया। अरे सच में क्या जोर से लग गया। अरे सिंचन जो सिखा रहा था ना भूल जाए यार, बहुत जोर से लग गया। अरे यार मुझे फटाफट फ्रैंकलिन के पास जाना पड़ेगा दोस्तों, मैं हूँ मुफासा जंगल का किंग लायन, बट लायन के पद से लगते हटने वाला हूँ। मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे जल्दी जल्द फ्रैंकलिन के पास जाना पड़ेगा, वही मेरा एक दोस्त है असली, वही मेरा कुछ मदद कर सकता है, उसके अलावा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे दोस्तों फ्रैंकलिन का घर इतना दूर क्यों लग रहा है? अरे कहाँ पे उसका फ्रैंकलिन का घर यार? एक मिनट, ये तो ज्यादा इसका घर उड़ी है क्या? यहाँ से यहाँ पे उसका घर होना चाहिए था। अरे ये तो लाजमी है यहाँ पे उसका घर था वक्त, लेकिन यहाँ पे अचानक से उसका घर कहाँ से चला गया यार? अरे लगता है मैं ज्यादा ही सामने आ गया। ओए फ्रैंकलिन भाई, तुम सब अंधे, जंगल के राजा को तुम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। फ्रैंकलिन भाई अरे फ्रैंकलिन भाई गड़बड़ हो चुका है। अरे यार मुफासा भैया कैसे हो, क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो? अबे यार सब कुछ ठीक है, लेकिन मुफासा ऐसे जोर से धक्का मारने का मतलब क्या है? ओए फ्रैंकलिन भाई बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ यार बच्चा। अबे यार तेरे अचानक से क्या मुसीबत हो सकता है, तू तो जंगल का राजा है और क्या ही मुसीबत है? अरे यार वो क्या ही बोलू, अरे बोली दे आया है यहाँ पे। अरे फ्रैंकलिन भाई क्या ही दुखी बात बताऊं तेरे को, तो बताए ना मेरा छोटा भाई ओस्कार ने एक बंदे को कहां से लेके आया है, वो भी एक लायन है, लेकिन वो मेरे से ज्यादा खूबसूरत लायन है। उसका पूरा बॉडी गोल्ड का बना है, मतलब उसका सिर्फ चेहरा गोल्ड का है। अरे भाई उसको ना सारे एनिमल मिलकर ना उसको राजा बनाना चाहते है। अबे यार ये कौन सी बात होगी? सो दोस्तों ये कैसा हो गया? अरे फ्रैंकलिन भैया गोल्डन लायन कौन है? हाँ वो पूरा गोल्ड है, उसका मुंह थोड़ा गोल्ड का है और उसका बॉडी हमारे जैसा ही है एनिमल की तरह। अरे भाई गोल्डन लायन? हाँ भाई हाँ। अरे भाई साहब गोल्डन लायन तो गाइस मैंने कभी भी नहीं देखा। अरे प्रागी भैया क्या कर रहे हो, चलो यार कार निकालो फटाफट चलो। हाँ हाँ भाई तूने ठीक बताया, अभी ना मुफासा की हेल्प करना पड़ेगा दोस्तों, चलो गराज से कार निकालते हैं। अरे भाई ये तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऑल राइट गाइस अभी चलो फटाफट ले चलते हैं, चलो गाइस फटाफट चलते हैं मुफासा के जंगल पे। अरे भाई तेरे कुछ करना पड़ेगा, उस बंदे को उस लायन को तेरे को हराना पड़ेगा। अरे मैं समझा नहीं, सो दोस्तों एक बंदा है। अरे प्रागी भैया पीछे देखो। अरे 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 भाई साहब, अरे प्रागी भैया मैं गिर जाता यार। भाई तेरे को मैंने बार बार बोला है सिंचन कार के ऊपर नहीं भाई, नीचे बैठ जा। भाई मुफासा ना एक लायन है, ताकत बढ़े और तू एक फुद्दू है। अरे कुछ भी हो जाए प्रागी भैया ऊपर ही रहूंगा। ठीक है भाई तो ऐसे रिक्स में रहा। सो गाइस मैं समझा नहीं, सो दोस्तों मुफासा का एक भाई है, उसने ना एक गोल्डन लायन को लेके आया है और सारे एनिमल ने सोचा है उस गोल्डन लायन को ही बनाएंगे उस जंगल का राजा और मुफासा को उस जंगल से हटा देंगे। इसीलिए गाइस मुफासा बहुत ज्यादा डर चुका है, इसलिए डर के मारे गाइस पूरा मेरे पास ही आया है, उसके अलावा उसने कुछ नहीं सोच पाया। चलो दोस्तों उस गोल्डन लायन से बातचीत करते हैं, वो क्या सच में मुफासा से ज्यादा खूबसूरत, मुफासा से ज्यादा ताकतवर है? भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑलराइट गाइस हम फाइनली पहुंचने वाले हैं। भाई ब्रेक मारता हूं। अरे भाई साहब यहाँ पे तो सारे एनिमल है सारे, चलो गाइस इन सब से बातचीत करते। एक मिनट मुफासा तेरा फैमिली? अरे क्या ही बताओ मेरा फैमिली भाई उनके साइड है। अरे भाई तेरा फैमिली उनके साइड है, ये मुश्किल वाली बात हो चुकी है। अरे एक मिनट देखता हूँ कौन है वो गोल्डन लायन। ओए कौन है तुम्हारे से गोल्डन लायन जिसे तुमने राजा बनाना चाहते हो? आ गया चेला कहीं का मुफासा का चेला। हाँ दौड़ते दौड़ते गया ना तेरे पास, देख ये हमारा भाई है, ये है हमारा आने वाला कल का राजा, इसे हम राजा बनाना चाहते है, ये देखने में खतरनाक है और इसका पूरा बॉडी गोल्ड का है, देख इसका कान गोल्ड का, इसका मुंह गोल्ड का। हाँ गाइस इसका कान मुंह से पूरा गोल्ड का है और देखने में खतरनाक लग रहा है, सो मुफासा से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। माना ना पेदे, अब यो मुफासा हमारा काम का नहीं है। काम का तो नहीं है अंगे रामा। अरे तुमने क्या सोचा यार, तुम सारे एनिमल पागल हो चुके क्या? मुफासा ने तुम्हारा जान बचाया है। अरे यार प्रागी भैया सच में पागल है। अरे दोस्तों तुम सबके जान मुफासा ने बहुत बड़ बचाया है, तुम सब भूल चुके हो क्या? मुफासा तुम्हारा असली राजा है, भूलो मत यार।
हाँ यार दोस्तों, मेरे फैमिली सिम्बा नाला, तुमने क्या सोचा है? मैंने तुम्हारे जान बहुत बार बचाया है, इस बार तुम इस पिद्दी सा गोल्डन लायन से तुम मुंह फिर गए। अरे यार ये कितने ज्यादा बुज़दिल है। अरे दोस्तों मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। ठीक है मैं समझ गया, ये सब ना तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले भाई। इन सबको अपना नया राजा बहुत ज्यादा पसंद है ना। ठीक है मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, मैं भी मुफासा को ले आऊंगा पूरा गोल्ड का बना के। चलो गाइस यहाँ से चलते हैं। अरे गाइस मैंने तो इन सबको कह दिया भाई मुफासा को गोल्ड का बना दूंगा, बट अभी मैं सोच रहा हूँ भाई कह तो दिया है, करूंगा कैसे भाई? एक लाइन को कैसे पूरा गोल्ड में बदल दिया जाए, उसका बॉडी पेंट कर दे। अरे यार प्रकृति भैया पेंट करने का बात तो उठ जाए ऐसा भाई, उठ जाएगा यार। हाँ यार ऐसे नहीं बनेगा, पूरा जेन्युइन गोल्ड चाहिए भाई, मुझे पूरा सोने का बनना है, तो भाई वो कलर से काम नहीं बनेगा। अरे यार मुझे लगता है ना प्रवीण भैया इसको ना पूरा एक बड़ा सा गोल्ड का कुछ करना पड़ेगा यार, क्या ही करे यार। अरे प्रवीण भैया कोई जादूगर के पास चले क्या? अरे जादूगर से भाई बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है यार, ऐसे काम नहीं बनेगा। अरे तुम सब भाई सटिए गए हो कसम से यार। गाइस इन सब बात गाइस पल्ले नहीं पड़ रहा। सो गाइस अब मुफासा को गोल्ड का बनाना पड़ेगा। गाइस कैसे बनाए? सो गाइस इसको क्या गोल्ड खिला दे, मतलब गाइस असली गोल्ड उस खा ले तो क्या होगा? अरे प्रकृति भैया ये हजम नहीं कर सकता, मर जाएगा यार। अबे यार एक काम कर सकता है, मैं गोल्ड खा लूं तो लग गया मैं गोल्ड का बन सकता हूँ। अरे लेकिन गोल्ड खाने के बाद तू मर गया तो क्या होगा मुफासा? भाई तूने सोचा है क्या? तू मर गया तो तेरा फैमिली का? भाई वो तो हम लोगों को भूल चुका है, वो मेरा फैमिली मेरे को भूल चुका है पूरा यार। ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया, अभी तेरे को गोल्ड खिलाऊंगा। अरे चल भाई मैं गोल्ड खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ उस राजा को हटाना है। हाँ यार चल इसको गोल्ड खिलाऊंगा, बट गाइस मेरे पास तो कोई गोल्ड ही नहीं है जो इसको खिलाना पड़ेगा। अरे गाइस मेरे पास तो कोई गोल्ड फोल्ड कुछ नहीं है यार, अबे यार कहाँ से मैं गोल्ड लेके आऊँ जो इसको खिला पाऊँ? अरे दोस्तों अभी हम लोगों को चोरी करना पड़ेगा गोल्ड। अरे सिंचन गाइस अभी आ जाओ, हमारे पास गोल्ड नहीं है, अब हम लोग गोल्ड चोरी करेंगे। अरे चलो मजा आएगा गोल्ड चोरी करेंगे। अरे प्रागी भैया उन सबने पकड़ लिया तो भाई? भाई पकड़ लिया तो क्या ही करे भाई, मारेगा ऊपर से। अरे प्रागी भैया चुपचाप रहना पड़ेगा क्या? अरे भाई बोला ना बार-बार मुंह बंद रख। अरे दोस्तों गाइस हमने बहुत ढूंढने के बाद पुलिस के घर में डाका डालने का सोच लिया है। गाइस देखो ये ना पुलिस का एक घर है, सो गाइस पूरे शहर में इस बंदे के पास ही है गोल्ड, वो भी 3 गोल्ड है। सो गाइस इन 3 गोल्ड आई थिंक खाने के बाद ही मुफासा गोल्ड का आई थिंक बन सकता है, लेकिन गाइस खाने के बाद जिंदा रहेगा क्या मेरे को पता नहीं। अरे उससे पहली बात ये गोल्ड को छुड़ाऊंगा कैसे, ये बुड्ढा तो हट नहीं वाला, और यहाँ पे 2 पुलिस वाले भी हैं जो देख के ऐसा लगता है ये भी नहीं जाने वाले। अरे यार अभी हम लोग एक मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा दोस्तों लोग। अरे प्राची भैया सबसे पहले मैं सामने जाके ना उन सबका ध्यान भटकाता हूँ, बोलता हूँ आपके पिछवाड़े में आग लग गया। अरे कोई अच्छा सा बहाना सोच के ना उनका तू ध्यान भटका। सो ऐसे बहाना सोचना जैसे अंकल वहाँ पे ना एक लड़ाई हो चुका है ऐसे बताना, और वो अंकल जब वहाँ पे जाएंगे ना उसी बीच में मैं और मुफासा जाके गोल्ड छीन लेंगे और वहाँ से भाग जाएंगे सोच के भाई एकदम। हाँ भाग जाएंगे सिंचन, तेरे को एक ही मौका में करना पड़ेगा भाई, तेरे को बुद्धू बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं राजा नहीं बन सकता, मुझे उस गोल्ड को खाना पड़ेगा। अरे ठीक है कोई बात नहीं प्राकी भैया मैं कर दूंगा। अरे मुँह क्या देख रहा अभी जाना यार। अरे दोस्तों देखो अभी मेरा कमाल क्या है। अरे चलो इस साइड से जाने का नाटक करता हूँ। अरे अरे भैया लड़ाई है वहाँ पे। हाँ अरे भैया कांड हो चुका है बचाओ। अरे अंकल वहाँ पे ना लड़ाई हो रहा है, एक बंदे के पास क्या ही बड़ा गन है, वो गन लेके मेरे को गोली चलाना क्या था और मैं भाग गया। अंकल जाके फटाफट बचाओ, आप पुलिस वाले हो भैया, कोई तो मेरी बात सुनो, फटाफट जाओ यार अंकल भैया। अरे क्या बोल रहा मुन्ना, वहाँ पे झगड़ा आए मेरे होते हुए, कैसे हो सकता है झगड़ा, मैं पुलिस हूँ। एक मिनट यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो कोई झगड़ा ऐसे नहीं होता, कुछ गड़बड़ तो है। भाई साहब गाइस सिंचन के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस सिंचन ने भाई बाजी मार दी। चलो दोस्तों अभी हमारा वक्त है। अरे मुफासा तू ना उस साइड से जा, मैं इस साइड से जाने का कोशिश करता हूँ। अभी गाइस देखो हमारा कमाल शुरू होने वाला है, सिंचन ने गाइस उसको अच्छा बुद्ध बनाया है। सो गाइस अभी ये दोनों पुलिस वाले को मारना पड़ेगा। अरे चलो ये बढ़िया मौका है, हमारा प्लान काम कर रहा है दोस्तों। अभी मेरे को देखो मेरा कमाल, मैं जंगल का राजा बन के छोड़ूंगा यार, हट जाओ। बहुत बढ़िया मुफासा, अभी देख मेरी बारी है, ये ले पिद्दी। ऑलराइट गाइस हमारा काम बन चुका है। सो दोस्तों सारा गोल्ड इस पुलिस के कार के ऊपर ले रख दिया, और गाइस ये कार लेके हम भागेंगे। चल सिंचन कस के पकड़। अरे प्रकृति
अबे यार तू गिर गया कैसे? शिट, मैंने उसको बार बार बोला। अरे कुछ गड़बड़े, कुछ गड़बड़े। ओए पिद्दी, ओए मेरा कार देखे तू कहाँ पे जा रहा है? ओए तो मेरा गोल्ड है। अरे अरे गाइस मैं चलता हूँ चलता हूँ। ऑल राइट भाई, वो पुलिस वाले भैया ने मेरे को पकड़ लेता भाई, गोल्ड तो हमारे हाथ में लग चुका है लेकिन सिंचान उनके हाथ में। अरे यार दोस्तों भागो भागो भागो। अरे यार मैं कार से गिर गया, फ्रैंकलिन भैया ने मेरे को बार बार बताया था भाई, कार के अंदर बैठ, नहीं तो मैं तो नहीं सुनने वाला, मैं तो जिद्दी लड़का था। अरे भैंस की अब फंस चुका हूँ, क्या करूँ? अबे तेरा क्या होगा कालिया, हाँ तूने क्या सोचा मेरे को बुद्धू बनाएगा? अरे फ्रैंकलिन भैया क्या काम से? अरे हमें गोल्ड तो मिल चुका है लेकिन बिना सिंचान के क्या करे? अरे गाइस मैं बहुत ज्यादा घबरा चुका हूँ गाइस, अभी क्या करे? गोल्ड हमारे हाथ में लग चुका है, सिंचान उनके हाथ में लग चुका है। अरे भाई मेरे को अभी बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है। सो इतना ज्यादा गोल्ड तो चुरा लिया हम लोग। अरे यार क्या करे, गोल्ड को खा लूं क्या, उन सबको दे दूं? अरे गोल्ड देने गए तो भाई उल्टा ना हम लोगों के मारेंगे। अरे यार ये तो गड़बड़ वाली बात है, चलो गोल्ड खा ही लेता हूँ, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन तो नहीं है। हाँ खा ले गोल्ड, उसके बाद क्या होता है मेरे को पता नहीं। ऑल राइट गाइस, मुफासा ने पूरा गोल्ड को सपचट कर दिया लेकिन गाइस कुछ भी फर्क नहीं पड़ा भाई, हमने जो प्लान किया है उल्टा हो गया पूरा। ओए भाई मैंने तो गोल्ड खा लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को कोई टट्टी भी नहीं आ रही, मेरे पेट में दर्द भी नहीं हो रहा और मैं गोल्ड का भी नहीं बन रहा हूँ। अरे गाइस कुछ नहीं हो रहा, उसका बॉडी नॉर्मल की नॉर्मल रह गया। शिट गाइस हमारा प्लान पूरा उल्टा चौपट हो चुका है और ऊपर से सिंचान गाइस उनके पास है। ठीक है मुफासा तू यहीं पे रुक जा, मैं ना फिर से सिंचान के पास उसको ले आने का कोशिश करूंगा पूरा। गाइस अब क्या होने वाला है मेरे को पता नहीं, अभी तो पुलिस वाले बंदा है गाइस, हमने कोई ऐसे वैसे बंदे से पंगा लिया होता तो काम बन जाता लेकिन ये पुलिस है। ऑल राइट गाइस, सो दोस्तों अभी चुप जाते हैं। एक मिनट गाइस मैं फिर से यहाँ पे आया हूँ। भाई क्या कांड हो रहा है उस तरफ भाई, देख के लगता है भाई झमेला बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अरे भाई चुपके चुपके सुनता हूँ क्या बात चल रहा है यहाँ पे। अरे इसने ही सारा गोल चुराया है। तो पिद्दी गई का पैसा ले। अरे मैंने कुछ नहीं किया भैया। अरे तूने चुराया बोल सारा गोल्ड कहाँ पे? अरे गाइस इस सब ने तो गाइस एक माफिया के गैंग को बुला लिया पुलिस वाले भैया ने, और गाइस सबको मार रहा है, मतलब गाइस एक बंदे को मार रहा है, क्यों मार रहा है उसको? अरे यही बंदा है, इसने ही सारा गोल्ड चुराया है, ये मेरा लीडर है, इसने मेरे को बताया था ऐसा प्लान था, इस बंदे को मारो। अरे गाइस सिंचान ने गाइस एक प्लान बना के भाई एक अच्छे इंसान को पकड़ के गाइस ऐसे ही पेल रहा है ये सारे बंदे, सोच रहे गाइस यही वो बंदा है जिसने गोल्ड चुराया है। अरे भैया मैं तुम्हारे पैर पत्ता हूँ, मैंने कुछ तो नहीं किया, मैंने गोल्ड को हाथ नहीं लगा देता, मैं तो साइड से जा रहा था। अरे इसने किया है, इसने मेरे सामने से गोल्ड उठाया है। अरे तू क्यों दूध बोलता है ताला पिद्दी? अरे नहीं मैं पिद्दी नहीं हूँ, इसको मारो, इसको मर के सार फोड़ दो। ऑल राइट गाइस, भाई सिंचन ने बढ़िया दिमाग लगाया है, अभी गाइस मेरी बारी है, अभी इन सब का सपचट करना पड़ेगा, मतलब इन सब का खेल खत्म करना पड़ेगा। ऑल राइट चढ़ता हूँ दोस्तों यहाँ पे हूँ मैं। ऑल राइट गाइस, अरे प्रागी भैया ओपी, चलो गाइस इन सब को मारते हैं। भाई इन सब ने बहुत ज्यादा कर लिया अभी, सो गाइस इनसे बातचीत करके काम नहीं बनेगा, इसलिए गाइस मैंने डिसाइड किया इन सबसे फाइट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी हेलो। अरे भाई बैस की आंख, भाई कौन पीछे से बहुत जोर से धकेल मारा। अरे यार अभी क्या करूं, चले। और राइट तू भी मर जा फिर दिखाई के जाए बैस की आंख। ये लो भाई तुमने क्या सोचा, इतना आराम से तो नहीं मार सकते मेरे को। राइट भाई हो जा काम बन जाएगा। अरे प्रागलीन भैया बहुत बढ़िया काम किया। अबे यार, अरे सिंचन बच गया तू। अरे प्रागलीन भैया क्या हुआ? अरे चल अभी यहाँ से चल। अरे प्रागलीन भैया उतना सारा गोल्ड खा के क्या हुआ? अरे बोल मत भाई, हमने जो प्लान बनाया था ना पूरा चौपट हो गया, इतना गोल्ड खा के ना मुफासा गोल्ड में कुछ भी नहीं बदला, जैसा कि वैसा ही है, मैंने सोचा था गोल्ड में बदल जाएगा। अरे आपका बोला ना ऐसे काम नहीं बनेगा, पेट खराब हो गया बंदा का। अरे पेट भी खराब नहीं हुआ भाई, कुछ भी उसको महसूस नहीं हो रहा खाने के बाद, लगता है कोई अलग चीज है। अरे फ्रैंकलिन भैया अब तो क्या काम से? अरे कहाँ पे उन सब लोग? अरे फ्रैंकलिन सिंचन कहाँ पे? मैं आ चुका हूँ दोस्तों, मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूँ गाइस। ये भाई ये कौन है, पूरा इतना चमक क्यों रहा है भाई, मेरा आंखों में रोशनी लग रहा है अभी। अरे दोस्तों मैं वही हूँ, मुफासा। अबे यार तू मुफासा? अरे गाइस ये तो पूरा गोल्ड में बदल चुका है गाइस, ये सच में वर्क किया भाई, इतना गोल्ड खाने के बाद हमारा मुफा ऐसा वैसा मुफासा नहीं है। अरे प्रागीर भैया यार ये मेरा प्लान था क्या? अरे यार ये मेरा प्लान था। अरे गाइस कसम से मजा आ गया। अरे यार कसम से, अरे प्रागीर भैया क्या ही बढ़िया लग रहा है। ऑल राइट गाइस, भाई सिंचन कसम से देख भाई, मैंने गोल्डन लाइन का सवारी कर रहा हूँ गाइस, क्या ही बढ़िया लग रहा है।
अरे यार मेरे पास बहुत ज्यादा सुपर पावर आ चुका है। अरे क्या क्या सुपर पावर है वो तो दिखा भाई, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी देख मेरा कमाल, मैं चाहता हूँ यहाँ पे गोल्ड का सुपर कार आ जाए। अरे भाई ये कैसे हुआ? अरे मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। अरे गाइस सच में मुफासा पूरा बदल चुका है। गाइस इसने एकदम से इतना ज्यादा सुपर कार को यहाँ पे लेके आया है। वो भी गाइस पूरा गोल्ड का बना है ये सारे सुपर कार्स। अरे प्रागल भैया मजे ही मजे। हाँ यार मजे ही मजे, इतना बढ़िया कार देख के तो दिमाग खराब हो गया मेरा। अरे प्रागल भैया कसम से यार कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे को ये। ऑलराइट सिंचर भाई ये कार लेके सोच हम लोग घूम रहे, पूरा शहर हमारे ऊपर आग टिका के देखेगा। अरे प्रागल भैया भी देखो मेरा कमाल। अरे यार महंगा कार है, स्क्रैच मत पहुंचा यार। अबे यार इसने तो क्या ही जोर से रोक दिया। अरे यार अरे देखो तुम सबने मेरे, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। हाँ गाइस इतना बड़े कार से मुफासा को ठोका फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे मुफासा भाई तूने तो इतना बढ़िया गोल्ड यहाँ पे गोल्ड का कार्ड लेके आया है भाई, यहाँ पे तू गोल्ड लेके आ सकता है ये देखना चाहता हूँ मैं। भाई तू लेके आया तो मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों, जो जो देख रहे हो सब्सक्राइब करो। ऑलराइट भाई इतना जल्दी? अरे गाइस लगता है सब्सक्राइब करने के बाद, सो गाइस जिस टाइम मुफासा बोल रहा था सब्सक्राइब करने का उस टाइम करने के बाद लगता है और भी ज्यादा गोल्ड यहाँ पे आ जाता। ऑलराइट जो जो देख रहे हो गाइस सब्सक्राइब करते रहो लगता है मुफासा मेरे को गोल्ड देते ही जाएगा। हाँ हाँ जितना सब्सक्राइब उतना ज्यादा गोल्ड। चलते हैं मुफासा के फैमिली के पास। अरे दोस्तों लोग मैं आ चुका हूँ, मैं हूँ वही द मुफासा द लायन किंग जिसको तुमने धकेल दिया, तुमने बोला मैं गरीब दिखता हूँ। ऑलराइट अभी देखो इन सबका शक्ल गाइस पूरा उतर चुका है। अरे कहाँ पे गया तुम्हारा राजा? अरे अरे ये तो खतरनाक बन चुका है रे भाई, मैं अरे चलता हूँ भाई। मेरे मुंह सब गोल्ड का है, इसका पूरा गुआड़ी गोल्ड का है, इसका कार गोल्ड का है। मैं भागता हूँ भैंस की आग मार चटिया बाबर वाले नू भाई, बेज्जती पे बेज्जती हो जाएगा, इतना गोल्ड देख लिया मैंने। जी 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 चलता हूँ मैं अपने घर। तो दोस्तों तुमने सोचा क्या मुफासा बेकार है? देख मुफासा को मैंने बना दिया पूरा गोल्ड का, अभी तुम्हारा राजा था है और रहेगा, इसको कोई राजा के पद से हटा नहीं सकता। सो गाइस ये वीडियो पे खत्म होता है, हमारा मुफासा हमेशा राजा था रहेगा। सो गाइस आप ये चाहते हो सब्सक्राइब कर दो, और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए सामने वाला जो वीडियो शो कर रहे हैं उसमें क्लिक करो।